अब जैसे आप बता रहे थे, वो बता रहे हैं ना वो कुआ वाली कहानी कैसे थी, कौन सी बताई, अभी बता रहे थे चार पानी वाली कहानी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो हमें बता रहे, वो कवि नंदलाल जी हमारे मध्य में आज उपस्थित हैं और बड़े ज्ञान की बात आप बता रहे हैं। कैसे बता रहे थे जी? अक्सर गांवों में पानी खारी होते हैं, जंगल में मीठे होते हैं, तो चार जनानी कुएं पे पानी भरने गई, तो जो है उसके मंडप पे बगल में दो हिरण मरे पड़े थे, उनमें कोई चोट निशान घाव नहीं था। तो पहली ने उनको देख के प्रश्न किया, कि नहीं खड़े हैं विदिक यार, नहीं चले हैं बान, और अब बतलाओ तुम सोच के न कैसे तजिए प्राण, कैसे मर गए। दूसरी ने उसका एक समाधान बताया, जो चबोकरी बनी होती है, जो पानी भरा होता था मंडप पर, उसे देख के समाधान ही बता दो आप शॉर्ट में। एक पानी थोड़ा और मोह घना, और लगे प्रीत के बाण, सो तू पी कह मरे स्याते ऐसे तजिए प्राण। तीसरी ने क्या कहा? तीसरी ने ये कहा, एक हे ये बिल्कुल चूतिया है बिल्कुल नादा, थोड़ो थोड़ो पीमते तो बचते इनके प्राण, चार घूटो दो दो पी लेते तो घूटो एक एक किलो। चौथी ने क्या कहा? ने जो बात कही बड़ी सार्थक कही, कि दुनिया कैसी बाबरी, जो लेती डोले सोन, और जो लिखने बारो लिख गया मैं तनहारो कौन। बताओ, ये हैं नंदलाल कवि जी, चंदोली ग्राम से, जिला मथुरा।